तुमको सुने आप बीन मैनिपुलेटेड द काइंड ऑफ एविडेंसेस व्हिच हैज कम अप इट क्लियरली शोस दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर एंड सूनर एंड लेटर वी हैव टू रियलाइज द फैक्ट दैट इफ समबडी इज ट्राइंग टू टेल अस दैट इन दिल्ली इन एमसीडी वेयर द बीजेपी इज रूलिंग everybody goes around everybody says it is the most corrupt party it has ruined mcd it has ruined everything which has some semblance of sanity and still bjp wants to tell to the whole world that they are still winning there's no reason for this देखिए जनता लोकतंत्र के अंदर जनता महत्वपूर्ण होती है जनता सर्वप्रमुख होती है लेकिन जनता को भी इस बात का अंदाजा नहीं है किस तरीके से गड़बड़ी हो रही जिस तरीके से धौलपुर के अंदर आपने देखा जिस तरीके से भिंड में आपने देखा हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैनुफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा ऐसा क्यों तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली के दाम आधे किए पानी मुफ्त किया पिछले दो साल से ना तो बिजली के दाम बढ़े हैं ना पानी के दाम बढ़े हैं इस दिल्ली शहर के अंदर आज अस्पतालों के अंदर लोग सुकून महसूस कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है और जिस ईवीएम जिस बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटा इन्होंने कोई काम नहीं किया है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है ये और फिर भी लोग उनको वोट दे रहे हैं ये तो आप मान सकते हो इस बात को आप मुझे सवाल का जवाब दो आप मुझे एमसीडी के पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एमसीडी में एक काम कौन सा अच्छा किया आप मुझे बता दो एक मिनट एक काम बता दो जो उन्होंने अच्छा किया है जिसके आधार पर लोग उनको वोट दें आप बोलिए वॉट हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन यू टेल मी कैन यू गिव मी वन सिंगल रीजन दैट द पीपल इन दिल्ली हैव वोटेड फॉर बीजेपी इन एमसीडी वन अचीवमेंट विच दे हैव डन 1940 करोड़ का घोस्ट पेंशन घोटाला इनका है एक 10 करोड़ में एक ये वेबसाइट बनाते हैं 20,000 से ज्यादा घोस्ट एम्प्लॉयज हैं सफाई कर्मचारी हैं इसके अलावा हाईकोर्ट खुद कह चुका है कि एमसीडी इतनी जबरदस्त भ्रष्ट संस्था है कि आज दुनिया में नंबर वन है इसको फोल्ड कर देना चाहिए एक मिनट उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने दवाएं मुफ्त की हैं जिसने बिजली के दाम आधे किए हैं जिसने अस्पतालों के अंदर दवा मुफ्त की है जिसने सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है जिसने 300 से ज्यादा उन इलाकों में कॉलोनियों में जहां पानी नहीं था वहां पानी पहुंचाने का काम किया एक मिनट दैट्स अप टू यू टू यू डिसाइड आई एम सेइंग देयर आर सीधा आगे की रणनीति हम बैठ के तय करेंगे पार्टी तय करेंगे कांग्रेस से आप टक्कर में है बीजेपी से टक्कर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन I don't need to repeat again. पार्टी इस पर बैठेगी बैठने के बाद विचार करेगी इस पूरे मसले को आगे किस तरीके से निकलेगी तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया दिल्ली की हार के बाद बुरी हार के बाद क्या बिहार के हार के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी सवाल उठा रहे हैं ईवीएम को कहे दोष देने से नहीं चलेगा चीजें सुधारनी पड़ेंगी इस तरीके की आप ही लोग कहते हैं पार्टी के अंदर तानाशाही है और इसी पार्टी के अंदर लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है ये तो पार्टी में स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है यहाँ लोगों की अलग अलग राय है मेरी भी अलग राय हो सकती है पार्टी की अलग राय हो सकती है भगवंत मान की अलग राय हो सकती है कुमार विश्वास की अलग राय हो सकती है संजय सिंह की अलग राय हो सकती है इसका मतलब थोड़ी है लेकिन पार्टी जब बैठती है तो पार्टी एक चीज तय करती है और वो हर आदमी को मानना होता है लेकिन इस पार्टी के अंदर अलग राय रखने वालों का भी स्वागत है और उनका उनका भी हम सम्मान करते हैं